अरे क्या है मी ऐसा इतना बुरा फोड़ लिया फोन? हाँ पापा को नको बोल, बर्तन धोते वक्त सीरियल देख रही थी, गिर के फूट गया। अरे आपको बोला और रिंग साबुन बहुत स्लिपरी है रहता भैया। हेलो हेलो कौन? अरे अज्जू मेरे भाई कहाँ है रे भाई? अरे आ जाओ यार, पूछने की बात है, तेरे इस घर है। ये अज्जू कौन है अम्मी? इसके बचपन का दोस्त है, स्कूल से साथ है इन लोगों। हाँ मैं तो पहली बार सुन रही हूँ नाम। हाँ जेल में था, छूट गया शायद। हाँ और मामा एक हफ्ता हो गया तुम जेल से छूट गए, आ जाता मिलने, इतनी दोस्ती। वाकई जेल में बदल गया बाप तू? नहीं 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 ये सब बात नहीं ऐसा नहीं। अरे आजा भाई जल्दी, अम्मी भी याद करते रहते तेरे को। हाँ उनके हाथ का पकवान खिलाता हूँ, भाभी का तो हाथ टूटा है। चल राइट। अम्मी अज्जू याद है ना? अरे जेल से छुट गया थे, अब आ रहा अपने से मिलने। आप एक कैदी को अपने घर पे लंच की दावत दिए, कई को बस हो गया क्या जी के? मेरा दोस्त है जी बचपन का। अरे बेटे अज्जू जल्दी छूट गया नहीं, 2025 में छूटने वाला था। हाँ गुड बिहेवियर बोल के छोड़ दिए थे जेल वाले, मैं आज तक लाइफ में उसको गुड बिहेवियर करते हुए नहीं देखा। अरे आप लोग ऐसा लाइट लेके कैसा बोल रहे, जेल से छुटा बोल के? अरे उन्हें जेल से छुटा, समर कैंप से नहीं। शाहरुख आप अभी उसको कॉल करके बोल दो मत आओ, हम लोग घर पे नहीं है बोल दो, और कल ही चपन अमेरिका शिफ्ट हो जा रहे हैं बोलो फॉरएवर के लिए। हां उसके बाद उसका नंबर ब्लॉक कर दो, नो ट्रेसेस प्लीज। ऑलरेडी लोकेशन भेज दिया मैं उसको। और एक बार अज्जू की गाड़ी निकली ना, जो काम की नियत से निकला उन्हें वो करके जाता वापस। अब उसको रोकना बोले तो या तो पेट्रोल खत्म होना या गाड़ी पंचर होना। हमेशा कुछ तो भी नया करता, आई मीन करते। चलो मैं जाके पकाना स्टार्ट करती हूँ, बहू को तो अच्छा हीला मिल गया काम से बचने का। हीला क्या अम्मी, हिल गया मेरा शोल्डर सॉकेट के अंदर से। बस बस मैं पका लेती हूँ। आप उधर कहाँ जा रहे, यहाँ बैठो बात करना है। क्या बात करना है यारो? सुनो आप लोग मेरे पे प्रैंक कर रहे हैं नहीं? हाँ क्योंकि एक मर्डरर को तो अपन घर पे नहीं बुला सकते है ना, प्रैंक ही है ना ये। अरे अज्जू मर्डर नहीं करता, उसके रूल्स के खिलाफ है, शरीफ है जी। अच्छा शरीफ है बोल के जेल को गया, शरीफों की अलग जेल रहती क्या? काम क्या करता उन्हें? रियल एस्टेट में। तो जेल किस रीजन से गया फिर? लैंड ग्रैबिंग करके। लैंड ग्रैबिंग? अरे बोला ना रियल एस्टेट। अपने घर को आके अपना घर ग्रैब कर लिया तो क्या करते फिर? निकलो बोल के बोल दिया ना, खामोश निकल जाना पड़ता, कुछ भी नहीं कर सकते फिर। यारो मेरे बचपन का दोस्त है उन्हें, अपने घर पे कहीं कब्जा करेगा। परसों तुम्हारा भाई गैंगस्टर गर्लफ्रेंड लाया, हम कुछ बोले निकामे तक बैठ गए थे, अब अज्जू अलमारी आ रहा तो परेशानी। अज्जू अलमारी, ये कैसा नाम है? अरे उन्हें क्या करता मालूम, उसके दुश्मनों को इस तरी करके घड़ी करके एक हफ्ता अलमारी में बंद कर देता करते, इसलिए उसका नाम अज्जू अलमारी है। टू मच बोल दी, इंसानों को घड़ी कैसा करते? हड्डियां वड्डियां तोड़ देता हूँ। प्लीज मेरे को ऐसा मत डरो। और अरे तुम कहीं को डर रहे जी, तुम कोई भी अलमारी में फिट नहीं होते। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको गौर से सुनो, पहले सब्सक्राइब करो उसके बाद एक घंटा दबाओ। अरे आ गया जी मेरा भाई। शाहरुख अगर आप मेरे को चाहते हैं ना तो दरवाजा मत खोलो। शाहरुख अरे मजाक कर रहा जी, तुम फुकट की टेंशन ले रहे, तुम बचपन का दोस्त है। अच्छा जल्दी तो भी भेजा दो ना वापस। अब वो मैं कैसा बोल सकता हूँ, सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करना पड़ता। सिचुएशन क्या क्या सिचुएशन? हॉस्टेज सिचुएशन। ए ज़ैनब तुम कुछ ज्यादा पैनिक हो रहे हो। वालेकुम सलाम अज्जू, क्या भाभी ऐसा चमकेगा, उतनी भी शहन नहीं अपने मुंह पे। नहीं वो क्या है ना, अभी आपकी तारीफ चल रही थी तो आपको देखते कि एक्साइटमेंट में चीख निकल गई मेरी। अज्जू भाई की तारीफ कब हुई थी मेरे को खुद को याद नहीं, इंसेक्ट तारीफ का लफ सुन के जमाना होगा। एक्सक्यूज मी, इंसेक्ट नहीं है वो, इनफैक्ट है। आ? अरे तुम्हारे भाभी की ये बुरी आदत है, वो इंटरनेट पे ग्रामर नाची रहता नहीं, हमेशा इंग्लिश सही करने जाता, ये लाइव वर्जन है। अज्जू को कोई सही करने जाता हो अज्जू भाई को नहीं पसंद, भाई को तो अज्जू भाई कभी गलती करता ही नहीं। But you just did. खैर तारीफ के लिए शुक्रिया। अरे आप गुंडे हैं तो क्या हुआ, इज्जत नहीं करना, मैं वैसी नहीं हूँ। अब करते होंगे आप टेढ़े मिंगे काम, टेढ़ा है पर मेरे मियाँ का दोस्त है ना तो झेलना पड़ता। अभी तारीफ में हल्लू गुपत कान भरिया रख दिए। लेकिन अज्जू भाई क्या है, भाभियों की इज्जत करता। हाँ क्या भाभी के हाथ को कैटफाइट हुई क्या? भाभी
कुछ भी रहा तो बोलो, अपने पास क्या है, लेडी फाइटर भी एक अलग गैटर है, जाके तालू पे से वाला खिंचाने लगा देंगे अपन। आप बेपी कर रहे हो, आप खाली एड्रेस बोलो भाभी, आपका नाम भी नहीं आता। अरे इनो, ये जो दिख रहा ना, बेड पे से गिरे सोए नींद में से, इनो किससे का लड़ना, सिर्फ मेरे से लड़ते। तू चल भाई, बैठेंगे अपन, जरा जेल के खुस्से सुनना है मेरे को, चल। और मामा जेल का कैसा सीन है, जैसा पिक्चरों में बताता थे, खतरनाक वैसी रहता? अरे वो कामन लोगों के आस्ते रहता, अरे वही 4x4 का रूम, उठे तो ऊपर सर लग रहा, बैठे तो नीचे, समझ रहा ना तू? अपनी क्या है, एक अलग सेटिंग थी। अज्जू पे वो क्या है, फाइल के सोने की आदत है, दो जेलों को जॉइंट करके एक कर दिए थे। सही बोल रहा, फिर अपनी अलग रिस्पेक्ट, अलग था अपना मामला। ऐसा नहीं, फिर पैरा सूजे हुए दिख रहे, मैं सुना था जेल में एड़ियों पे मारते लट से, डाल के दिए क्या? अरे फिर कामन लोगों के बात बोल रहा है क्या रे भाई, तेरे को बोला ना मैं, अज्जू भाई क्या है, अलग सेटिंग थी, मैंने क्वीन पेंगुइन कराओ मैं जेल में। एक्सक्यूज मी, वो मैनिक्विन पेंगुइन नहीं, मैनिक्योर पेडिक्योर है। तेरे को डेढ़ बोला था मैं जेल से छूट रहा हूँ बोल के, फिर भी लेने नहीं आया तू मेरे को, ऑलरेडी पूरे बैरक में टमटम करके रखा था मैं, हमारा जान जिगरी दोस्त आ रहा मेरे को लेने बोल के, हमारे पट्टों को भी नक्को आओ बोला तू आ रहा बोल के, और तुम एंड टाइम पे अज्जू भाई के हाथ में हैंडल पकड़ा दिए, बस पकड़ के आना पड़ा मेरे को। वो बात अलग है, अपन बैठते की पूरी बस खाली हो गई, ड्राइवर भी भाग गया, मेरे को बस चला के आना पड़ा। नहीं मामा सॉरी, वो क्या है मालूम, अगर पप्पा को मालूम हुआ मैं जेल को जा रहा हूँ दोस्त को पिक करने बोले तो अलग गिच्ची हो जाती, और तू भी जरा सुन, उनको नहीं मालूम पप्पा को, तू अज्जू से अज्जू अलमारी हो गया सो, उनके सामने जिक्र नको कर। ठीक है, जरा पहले लड़ बता देंगे, और मैं नाश्ता वाश्ता भी नहीं करा, जरा क्या भूख लगी तो मैं हैंगरी हो जाता हूँ बहुत। फौरन चल, पहले कांच के चीजें। अज्जू। अस्सलाम वालेकुम मी। वालेकुम सलाम, क्या है इतने थे तुम, मैं देखी जब, अब आईफिल टावर हो गए। वो क्या अम्मी, लोग मेरे को बहुत नीचा दिखाए, इसके वास्ते अब मैं लोगों को नीचे देखता हूँ, ऐसा तू वाले टेबल पे देख। अरे अम्मी पिज्जा, वो भी कल का दिख रहा। तू कड़क गोश्त तलो बोला, वो चक्कर में जल गया तो मैं ये निकाली। मामा पिज्जा खा लेते, कुछ भी रहता रहो पेट में, गया तो बस आओ कहेंगे। ये क्या रे भाई, इससे अच्छा तो जेल में मिलता था, फरमाइश करते कि डिश साम में। एडजस्ट कर लो मामा, मैं कैसा जला दिया मैं गोश्त। खैर अरे मैं सुना गोल्डन भी अपना तेरे साथ ही है कहते। ओ रख लियो उसको काम पे, राइट हैंड है अपना, उन्हें किसी को खिरोचा तक मानने नहीं देता उन्हें मेरे को। शाहरुख आप लोगों की दोस्ती कैसा हुई? अरे हाईलाइट किस्सा है, स्कूल में अज्जू मेरी जान बचाया। क्या आप स्कूल में मरने वाले थे? अगर अज्जू वही सही टाइम पे नहीं आता था तो, 6th क्लास की बात है, जब उत्ता एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे अपना, अब स्कूल छूटा, इनके पप्पा हमेशा से लेट आते थे इसको पिक करने, 4 पुट्टिया है सीनरा, मिठा पोटा दिख रहा बोल के घेर लिया इसको। मामा अब इसको क्या है, घेर के रेटिंग शुरू कर दी इसकी। अरे रैगिंग यार, बहरहाल वही मैं कैंटीन में गाड़प भी ले रहा था, एकदम ये मंजर पे नजर पड़ी, आंसुआ भर रहे इसके। अब अपने को क्या है, बर्दाश्त नहीं हुआ, जो भाई क्या है, मजलूम पे जुलूम होते हुए नहीं देख सकता, सीधा गाड़प भी फेंको, बीड़ी फेंको, भाग लेते। 6th क्लास से बीड़ी मार रहे आप? नहीं 5th से। मैं क्या करा, बैग में से शार्पनर निकाला, पेंसिल निकाला, पेंसिल को शार्प करना शुरू कर दिया, इधर अपने पेंसिल की शार्पनिंग चल रही और उधर इसकी शार्पनिंग चल रही, जैसा पेंसिल की नोक तेज होते ही भाग लेते जाके एक स्टूडेंट की बम्बी में भाग, एक बोल तो बटना खुल लेते आसानी से घुस गए पेंसिल, दूसरे को डिवाइडर से घुटने पर ट्रप, सीधा खून की रद्दी, तीसरे को स्केल से सीधा हल्लक में। उस दिन अज्जू भाई का ज्योमेट्री भाग पहली बार इस्तेमाल में आ समझो। वैसे मैं भी बहुत खतरनाक थी 6th में, सब लोग 7th से कर्सिव स्टार्ट करते ना, मैं 6th से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। मामा तेको जब एक्शन में देखा था ना, वाह, जब ही सोच लिया था तेको लगा के रखना, सेफ्टी रहती। हाँ मैं ये जब खिस्सा सुनी ना, मैं जब ही समझी ये कोई साधारण बच्चा नहीं है बोल के, इन्हें आगे चल के तिरवादी काम करेगा और सही छुआओ। मैं भी ऐसा आवारा गुंडा बोलती, मगर ये चावारा गुंडा मेरे मियाँ की जान बचाया स्कूल में, थैंक्स आवारे गुंडे। आप ला तारीफ में जो पतोले तोल रहे ना, उसका जवाब नहीं है। अरे कई को ऐसा बोल रहे मामा? फिर क्या रो, अम्मी ऐसा बोल दिए तिरवादी बोल के, भाभी आवारा गुंडा बोल दिए। सही बोले ना, अरे तू है ना गुंडा। ये भी सही है,
जो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अंकल। मैं जब देखा बहुत अच्छा क्यूट था, अब इतना बड़ा ढांका हो गया। आप लोग हाँ इंडियाज गॉट टैलेंट में चल जाओ, जो तारीफ में गुपत लपट के दे रहे ना, ये हर कोई कर नहीं सकता, नेचुरल है ये आप लोगों का। बुरा मान गए मियाँ। पापा खाने आ जाओ ना। खा क्या? ठीक है सो जाओ। अरे अज्जू से बात करेंगे मियाँ, बहुत टाइम हो गया मुलाकात नहीं हो के। तुम लोग खा ले के हॉल में आओ, जरा क्या चल रहा है इनका हॉल चल लेंगे। अज्जू सुन, पापा के सामने तू रियल एस्टेट में है बोल दिया। रियल एस्टेट में अपन, लेकिन इल्लीगल। अरे यार ऐसा मजाक भी नको करो तुम पापा के सामने। अज्जू अलमारी झूठ नहीं बोलता, जो है सामने ये रुआब है अपना। दोस्ती के लिए भी नहीं अज्जू, पापा नहीं मिलने देते तेरे से फिर। ठीक है अब तेरे आस्ते शराफत की थोड़ी एक्टिंग कर ले तो, लेकिन क्या अपने को शराफत राज नहीं है, इसलिए अज्जू आज अज्जू अलमारी बन गया, दुनिया बनाई से अपने को ऐसा। 100% सही बोला बाप, लोगों के साथ अच्छा रहना कुचल के चल देते। हाँ कौन कुचले तेरे को बोल, अपना कुचलना अलग रहता, अपन कुचलते कि सीधा 6 फीट अंदर चल जाना जमीन में। हाँ नहीं मामा, दुनिया का दस्तूर बोल रहा हूँ, शरीफ लोगों के लिए ना जगह ही नहीं है। शरीफ लोगों के लिए अगर दुनिया में जगह नहीं है ना, तो ऊपर बहुत अच्छी जगह है। माशाल्लाह क्या बात बोले अम्मी, वाह। आदा लूट ली अम्मी। और अज्जू क्या चल रहा है, क्या मसरूफियात है? फिलहाल तो लैंड ग्रैबिंग बूम पे। अरे अज्जू पापा के साथ तो मजाक न कर, स्कूल से मजाक नहीं आया भाई, रियल एस्टेट में माशाल्लाह। वही जमीनों मीनों का कर ले रहा हूँ। मेरे भी दोस्त रिटायर्ड होके रियल एस्टेट में आ गए, मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी आ जाऊँ। कहीं को पैसों की तंगी उंगी चल रही है क्या? कुछ तो भी कुछ भी ऐसा रहा तो बोलो, अपने पास एक बेहतरीन प्लेयर है। प्लेयर? अरे प्लेयर तो अपने पास भी है, परसों फैन खोला। अरे प्लेयर जी, प्लेयर प्लेयर पापा, खिलाड़ी। कई का प्लेयर अज्जू? सट्टे का, आज तक नहीं हारा उन्हें, रिकॉर्ड है उसका, आधे घंटे में पैसे डबल, बोलो कितने लगाऊ। अरे अज्जू क्या बोल रहा? अरे तू भी पहचानता शायद रे भाई, स्कूल का था ने मुनव्वर, विस्की गोली के सर की ट्रायंगली सूरत थी देख उसकी। इट्स ट्रायंगल सूरत। क्या मजाक कर रहे यार, सट्टेबाजी। अरे बहुत मजाक किया भाई ज़ैनब, कब से पुकार रहा हूँ मैं तुम्हें। थी मैं। तुम यहाँ कहीं ठहरे हुए? आपकी जान को खतरा है बोल के। तुम वो टूटा हाथ लेके क्या करते, जाके चाय ले क्यों? ओ भाभी बोलने आलस था मैं, चाय वाय कुछ है नहीं है, सर के रखा एक दूसरे को मार ले रहे। मेरे को भी सर में दर्द होता चाय नहीं पिए तो, तुम्हारे को भी चाय की आदत है शायद। अज्जू किसी का गुलाम नहीं होता। ए गुलाम चाय कब लाते, अज्जू के रखा फटे बात। अरे अम्मी चाय बना दिए, अब ट्रे कैसा पकड़ के लाऊं मैं, ओनली वन हैंड इज फंक्शनिंग, देख सकते हैं ना, आप ले लो आके। ठीक है आ रहा हूं मैं, आप दोनों बातें ना कर लो हैं, आज अब साथ में करेंगे। अब दिमाग चल रहा देगा अज्जू का, 5:30 हो गए, मैं क्या जरा बिजनेस के कॉल ऑन ला कर लेता हूँ, क्या जरा कारोबार उरुबार भी देखना पड़ता। हाँ पहले बिजनेस, ये बातें तो होते रहते। सही बोले, आखिरी में ना दोस्ती ना रिश्तेदारी पैसा ही काम आता, इसलिए कभी भी कोई काम से पीछे नहीं हटता। अज्जुअल अज्जुअल मुज्जू बचपन से ऐसी है पापा, कोई काम से पीछे नहीं हटता। ये बात अच्छी है, देखो कभी हार नहीं मानना, आखिरी सांस तक मेहनत करना चाहे कोई भी काम। पापा कोई भी काम नहीं बोल सकते, थोड़े कामों में हार मान के रोक देना सही रहता। अंकल सही बोले, क्या है जेल में था जब जरा बहुत गिच्छिया हो गए, अब पूरे गिच्छिया खोलना एक एक करके। जेल में जेला, तुम चाय नहीं पी रहे, तुम चाय नहीं पीते ना? नहीं वो क्या है कि ए मेरी चाय कहाँ है? अम्मी ये आपकी चाय है, मैं भूखे ठंडी कर रही हूँ थी आपके वास्ते। अब्बा इतनी मेहरबानी नको, मैं कर लेती हूँ, लीजिए। जरा आप लाइक 5 मिनट साइलेंट हो गए तो क्या है, 4-5 फोन आ घुमा लेता हूँ बिजनेस के। हाँ हाँ बिजनेस का मामला अलग रहता। अरे बहुत दिन हो गया चाय अच्छी बनी। हाँ दुआ करो आप मेरा हाथ ठीक इश न कहो बोल के, रोज अम्मी के हाथ की चाय पीने मिलती है आपको। मेरा हाथ नहीं हो रहा, मैंने बना ली कल से चाय। मैं बना लेता हूँ, कल से छोड़ दे रहा हूँ मैं चाय। क्या टेस्टिंग बोल के आधा माल खत्म कर दिया, आलू को कैसा गोल फिरा रहा हूँ मेरे को मालूम, आइंदा टेस्टिंग करेगा तेरी टेस्टिंग निकाल देता हूँ। पहले स्कूल से ही अपना टेस्ट पॉजिटिव नहीं था, याद रख ले बेटी। कैसी टेस्टिंग निकाल दूंगा? वो केमिकल्स पापा, इन्हें केमिस्ट्री भी पढ़ना ना, तो लैब की जिम्मेदारी है इसके ऊपर, तो एक बच्चे को रखा उन्हें क्या कर रहा, केमिकल मार दे रहा, इसके ऊपर ना मजा। जिस पे भरोसा करते ना
बोल लो ना, अपने को हाथ दे देती। हेलो, हाँ किराया लेने ने तो क्या आशी क्या करने फोन करूंगा रे तेरे को, तुम टेढ़े होंगे मैं नहीं, समझा? आज शाम तक पैसे क्रेडिट हो जाना, नहीं तो तेरे पेट में हाथ डाल के पूरे अंतड़िया डेबिट कर देता हूँ और वही अंतड़ियों की रस्सी बना के छत पे मेरे शटा सुखाता हूँ, समझा रे? याद है ना लास्ट टाइम पेमेंट नहीं आता तेरी कनुंगली गायब कर दिया था, आज तक मेरे चौकट पे बने हुई है, आने जाने में खुलने में आती। नहीं 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 नहीं, वो सब नहीं मालूम, आज मेरे को पेमेंट हो जाना, नहीं मालूम, फोन रख। बेटी जी, इन ब्लैक आदमी दिख रहा मेरे को। अरे नहीं बाबा, जो फुल कलरफुल आदमी है, देखो उसका शर्ट। रे जो जमीन पे तू बैठे हुआ है ना, वो जमीन को अज्जू अलमारी पहले कब्जा कर लिए सोए, अगर तू वो कब्जे पे से नहीं हटा ना तो सोच तेरा क्या क्या कब्जा करता हूँ मैं। मैरिड है तू? नहीं है, बच गया, ये तो जोर हो गई थी तेरी। तेरे अम्मा बाप पे बात आने से पहले खामोश वहां से हट जा, नहीं तो कल तेरे को यतीम खाने में एडमिट होना पड़ता, समझा? क्या बोल रहा बेटे ने? क्या जी, जो करे उनको डराना, चाहे कि अम्मा बाप क्या करे, ये बिजनेस अलग है अम्मी, थोड़ा करना पड़ता अगर ठंडे पड़े। इस बिजनेस भाभी, ये जो ट्यूशन दे रहे इंग्लिश का, इसकी फीस भी लेते क्या? नहीं नहीं, ये तो मुफ्त का ज्ञान है। वही बोल रहा हूँ, कहीं बोल तो अज्जू भाई खाली फीस लेता देता नहीं। जैनब तुम एक डोले डाल लेके सोचो ना राजा। हाँ टर्रे टर्रा, कहीं को तो भी कालों पे काला कर रहा, जब से फेक डिग्री निकालना है कहीं को विवाह में सही नहीं टर रहा है क्या? बेटे तुम मेरे से झूठ बोले, इन अज्जू जाके अज्जू अलमारी हो गया। अब क्या करूं पापा, दोस्त कैसा भी रहो दोस्ती निभाना पड़ता, आपका वो थाईलैंड वाला दोस्त। अरे ऐसा बोल, अम्मा सुन लेंगे तुम्हारे, उन्होंने मेरे को कसम दिए तो उसे नहीं मिलना बोल के। हर आदमी का एक ब्लैक दोस्त रहता, लेकिन अपन दोस्ती थोड़ी तोड़ ले सकते, निभाना पड़ता। अरे डर रहे तुम, नहीं समझ रहे, तुम्हारे होना होगा उस्मानिया की डिग्री, तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। देख नहीं बोलना चाह रहा हूँ भाई, तू शर्मिंदा आ जाता बोल के, आज भी तू वही टूटी चैन की साइकिल पे फिर रहा, जितनी चादर है उतनी अंगड़ाई लेना, नहीं तो हाथा पैर आ गए ठंडे पत्थरों पे लग जाते, TNU में करा देता हूँ। शुक्रिया उक्रिया की बात नहीं है, शाम तक लिब्बा आ जाना, क्या बोल रहा हूँ? तू भी कहीं पैसे दे के इंजीनियरिंग निकाला क्या? मेरे को डाउट आ रहा हूँ। हाँ जी, इन कॉलेज में बड़ा अमाउंट दिए थे क्या? कॉलेज के टाइम पे कितने की खा गया, क्या क्या की बोल के? अरे नहीं पापा, क्या बोल रहे, कितनी मेहनत से पढ़ के पास करा हुआ मैं। डाउट तो मेरे को भी आ रहा। मेरी पलाश को फोन करा लाइन पे, आप लोग आप लोगों का कंटिन्यू करो, यहाँ लको सुनो जरा, पीनल बात चलते जरा हम लोग। अच्छा पर्सनल बात करने का थे अम्मी। अम्मी ये पलाश बोले तो मेरे को भी नहीं मालूम। और जी ये पलाश क्या है? पलाश मेरे को भी नहीं मालूम है। शाहरुख ये पलाश किसको बोलते? मालूम गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड को बोलते। अज्जू अलमारी की गर्लफ्रेंड का नाम, जल्दी एलसी बच्ची का नाम बोलो। कल रात में बच्चे के हाथ से भिजाया था बादम की जाली, नहीं बोले कैसी थी? नहीं अरे वो मैं क्या बोल रहा हूँ, जुम्मे रात के दिन तुम मैं मिल गए झूले वूले तश्तरी का, अरे क्या है तुम्हारे वास्ते सस्पेंस भी है वहाँ पे। एल से बच्ची का नाम कैको की? अरे बोलो जी, ऐसा बोलते ही याद आता क्या? कुछ भी नहीं, वक्त के कुएं में जरा तुम पीछे पड़ो, मैं सामने गाड़ी जरा घुमा के, वो सस्पेंस है बोलने का नहीं है वो, जरा तुम आओ ना भाई खाली बोल लो घर में अलग जरा सहेली के साथ। पापा इनसे पूछिए, इनू इनू तो हर अल्फाबेट। अरे मेरी लैला। अब लैला कौन है? क्या तू भी तुम्हारे जरा अलग दिख रहा मामला मेरे को, एक बार भी मुलाकात नहीं डाले तुम मेरे से जेल में। अरे सनी लियोनी जी, लैला मैं लैला गाना पापा ऐसे बच्ची का नाम पूछा हुआ है। सुन ली मैं सब आपका। अच्छा ठीक है सुनो, मैं अगले हफ्ते तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ तुम्हारा हाथ मांगने। अब अम्मा तो अपने फेवर में हाथ रखे थे अपना बच्चा बोल के, लेकिन जरा बाबा को भी मना लो, अगर वो कूका करे तो बात अलग आती, पहले बोल दे रो। मेरा जोक सुनो तुम लोग, इसका नाम अज्जू अलमारी है तो इसकी पलाश का नाम लैला लॉकर है क्या? आज समझी शाहरुख, मैं आपका ह्यूमर तो पापा से आया, इसलिए दोनों अपने जोकों पे खुद ही छस लेते। अच्छा सुनो जरा, जल्दी एक सेल्फी तो भेजो जरा, आओ अब तक नहीं आई सेल्फी। अरे टाइम दियो थोड़ा, फिल्टर सेलेक्ट करते बच्चियां। तुम्हारी मॉर्निंग सेल्फी शाम में आती थी, मैं शाम के 4 बजे। ऐसा फिर शाहरुख जरा परसों अपनी साइड पे आ जाओ, आप क्या है मेरा बीडे पूरे गेट रखा एक छोटा सा। अरे खाली मौत डाल देंगे जी, कफन ले लेके आ दो, आके दफन सीधा जबरदस्त कर देंगे। आप हरगिज नहीं जा रहे, वो भी अकेले। अब मैं अपने दोस्त से भी नहीं मिलना, वो भी अपने बीडे पे।
ठीक है चलता हूँ सॉले। टू मच कर दिया रोजान अब तुम। अब सुकून की सांस ले सकती हूँ मैं। वैशी चलेगा। गले जिंदगी कर लिया, क्या मजबूरी थी कि उसकी। कहीं की मजबूरी, ऐसे लोगों को जान का धोखा रहता, ऐसे लोगों से दूरी रहना अच्छा हुआ चलेगा। खाली अम्मा बहन गिनना बाकी रहेगा। आप मेरी वॉलेट। हाँ मिल गई। वॉलेट है वो। आओ भाई अब नहीं है पढ़े लिखे, इसके वास्ते लाइन में आ गए। समझाना छोड़ के ऐसा गिनते रहेगा, ऐसा गिने तो और गलत काम करना दिल बोलता। फिर वैसे तुम लोगों को मालूम मेरा नाम अज्जू अलमारी कैसा पड़ा। हाँ मैं सुना तू एक एक हफ्ता अलमारी में बंद कर देता था गधेरा लोगों को। वो फेक स्टोरी है, रियल स्टोरी ये है। जब मैं 8th क्लास में था, जब हमारे अम्मा बाबा मेरे को छोड़ के अल्लामिया को प्यारे हो गए, कुछ भी नहीं रखेलना मेरा से, सिर्फ एक खाली अलमारी छोड़ के। कई लोगों के गालियां सुना, ना रिश्तेदार लगा लिए ना दोस्ता साथ दिए। अब एक यतीम बच्चा कांजेगा, खाली नाम के रहते है सब लोग। अगर अम्मा बाबा नहीं रहते कोई पलट के पूछने वाला नहीं रहता। वो खाली अलमारी कैसा भरा मेरे को मालूम। अरे सॉरी बाप, तेरी इतनी सैड स्टोरी है नहीं मालूम था मेरे को, तू कभी शेयर नहीं करा। अज्जू अलमारी को पीटी नहीं होना। पीटी बोले तो अमीर पीटी तरस यार है के ना, हिंदी आती ना उर्दू आती, खाली इंग्लिश आती। अज्जू अलमारी के ऊपर कोई तरस खाई अज्जू अलमारी को नहीं पसंद। खैर चलता हूँ। लेकिन अब तुम्हारे पे अब तरस ही चाह रहा बेटे। गनीमत चलता हूँ। मामा छोड़ गए क्यों नहीं देते तुम ये काम, मेरे बिजनेस में ज्वाइन हो जाओ। ठीक है हर महीना 3 पेटी दे दो, अज्जू अलमारी अपने अलमारी का पटा बंद कर लेता। 3 पेटी नको मामा, खुला रखो तुम तुम्हारी अलमारी का पट। अज्जू अलमारी किसको बोले। हाँ दिला देंगे ना बेटे 3 पेटी, बच्चे की जिंदगी सुधर जाती। अम्मी 3 पेटी बोले तो 3,00,000 महीने कमा रहो, महीने को कहाँ से देंगे। करो बेटे तुम्हारा जो मन है वो करो। ठीक है चलता हूँ, मिलो तुम परमिशन मिली तो। अरे मामा आ रहा अड्डे पे, आते ही सीधा मन्नी वन्नी खाएंगे, मरफा लगा के 3 मार टड़ा टड़ा समझ रहा ना। आज बहुत कुछ समझ गया मामा मैं। हर चलता हूँ बेटे। फाशोखत बोलिए चलता हूँ चलता हूँ बोल के। अब फुल एंड फाइनल अज्जू अलमारी का सलाम, चलता हूँ। अज्जू अलमारी अम्मी अच्छा याद है मैं कुछ मेरी अलमारी हटाना है, इन लोगों को कब से बोल रही हूँ नहीं सुन रही। अब यही बाकी था, अब अच्छी अलमारी दूसरों की अलमारी हटेगा। खैर आप भी हमारे अम्मा के ऐसे हटाना ही पड़ता। सिंगल डोर है डबल डोर है अलमारी।